हिल काउंसिल के चुनाव अभी अभी संपन्न हुए हैं और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के तौर पर उभर के आई है और कांग्रेस विपक्षी भूमिका में होगी। इस पैनल डिस्कशन में हम कोशिश करेंगे कि चुनाव के बाद, चुनाव में तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये तो एक पार्ट है चुनाव का, आरोप प्रत्यारोप के बाद अब कैसे हम डेवलपमेंट की बात करें मिलकर। तो हम बात करेंगे, पहले हमारे साथ में मुरुख जी हैं, ये प्रेस क्लब के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं और उनके साथ में है सैम धन जी हैं, बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं और हमारे साथ में इधर कांग्रेस के प्रेसिडेंट रेश जी। तो इनसे बात करेंगे कि किस तरह हम डेवलपमेंट की बात करें, अब आने वाला जो टाइम है लद्दाख के लिए, लद्दाख के जनता ने जो मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, डेवलपमेंट मेन इशू है और दूसरा सिक्स शेड्यूल है, तो दोनों में कैसे तालमेल बैठे उस पर हम बात करेंगे। तो गुरु जी से पूछते हैं कि इस बार का जो चुनाव था, आपकी जो उम्मीद थी चुनाव से पहले, क्या वैसे ही चुनाव हुआ इस बार? हाँ बिल्कुल जी, जो सिक्स शेड्यूल का मूवमेंट चला, मैं कल भी बताया था, उससे थोड़ा कांग्रेस को फ़ायदा हुआ और अगर ये एपेक्स बॉडी जो सिक्स शेड्यूल के लिए बनाया गया अगर वो फॉर्म नहीं होते तो फिर मेरे हिसाब से वन साइडेड इलेक्शन होना था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बैलेंस हो गया, अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग आ गया, फिर इसकी गवर्नमेंट फॉर्म हो गया, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये हिल काउंसिल अच्छा चलेगा। ये संतर जी, आपकी सरकार इस समय हिल काउंसिल में आपकी सरकार बनी हुई, चुनाव में किस मुद्दों को लेकर आप गए थे और कितने सक्सेस हुए उसमें? जी पहले तो मैं पूरे लद्दाख वासियों को, लेह वासियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जनमत, उन्होंने मतदान दे के जनता पार्टी को एक सिक्स शेड्यूल जो सिक्स LSDC है उनको फिर दोबारा जनता पार्टी के हाथों में सौंपा एक विश्वास के साथ, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। बाकी ये जो इलेक्शन है काफ़ी टफ रहा है क्योंकि जाबी मुरुख जी ने बताया तो सिक्स शेड्यूल बीच में लोगों ने एक मुद्दा रखा, उसको लेकर मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल फ़ायदा हुआ है, अगर वो नहीं होता तो पूरा जनता पार्टी के विचार विमर्श जो था वो बिल्कुल कुछ अलग था और हम ज़्यादा सीटें जीतने की हम अपेक्षा कर रहे थे। तो आप मानते हैं कि डेवलपमेंट मुद्दा पीछे रहा, सिक्स शेड्यूल मुद्दा हावी रहा उसमें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बाखूबी पूरे लद्दाख की जनता जानते हैं सिक्स शेड्यूल का जो डिमांड जो है वो एकदम से उभर के आया, लोग नीति को छोड़कर डेवलपमेंट को छोड़कर इसके पीछे भागने लगे, तो हमारे एपेक्स बॉडी बने हैं, गृह मंत्री जी ने उनको बुलाया है, तो वायदे किए हैं कि आने आगामी कुछ दिनों में तो दोबारा उनको बुलाएंगे, तो लद्दाख को सिक्स शेड्यूल अंडर सिक्स शेड्यूल फिर जो सेफ गार्ड मिलना है वो मिलना ही चाहिए, हम भी कहते हैं कि मिलना चाहिए कि लद्दाख के भविष्य को देखते हुए हमें सेफ गार्ड बिल्कुल मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी कहना है कि सिक्स शेड्यूल ये उसके विरोध में नहीं है, ये भी चाहते हैं लद्दाख की जो हित हैं उनकी रक्षा होनी चाहिए। तो हम पूछते हैं कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं कि आपका जो मुद्दा था वो उसको आप कितने पब्लिक में कितना एक्सप्लेन कर पाए, पब्लिक को कितना समझा पाए इसको? सबसे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा सर, सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने मैंडेट मिला, जिनको मैंडेट मिला कौंसिल फॉर्म करने के लिए, और हम उनसे बड़ी उम्मीद रखते हैं कि खासकर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के लिए वो सबसे पहले फर्स्ट जनरल कौंसिल में रेजोल्यूशन लाए, क्योंकि शुरू में उन्होंने तीन चीज़ों पर एक रेजोल्यूशन पास किया था, डोमिसाइल 371 और ये सिक्स शेड्यूल, तो हम चाहेंगे उन दो को छोड़ के एक मत होके फर्स्ट प्रायोरिटी सिक्स शेड्यूल पे ही रेजोल्यूशन लाए, ये हमारा मंग रहेगा। आपने ये भी पूछा कि हमारा इलेक्शन कैसा रहा, क्या रहा, हमारे लिए बहुत टफ था इलेक्शन, इस बार का इलेक्शन बहुत टफ था, इसका कुछ कारण भी थे। एक कारण ये है कि एक साल पहले लद्दाख का बहुत पुराना मंग जो यूटी था वो उन्होंने यूटी दिलाया, हालांकि जो यूटी हम एक्सपेक्ट करते थे वो यूटी नहीं मिला, पर कुछ तो मिला यूटी। और दूसरा, पिछले 5 साल से ये लोग कौंसिल में थे तो बहुत सारा फंडिंग का इश्यूज था, उनका क्या कहते हैं वर्क डन की बेसिस पर भी इन्होंने इलेक्शन लड़ा। और तीसरा सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण ये था उनके लिए कि वो सेंटर में भी उनका रूलिंग गवर्नमेंट था, उसका तो उसका फ़ायदा मिला जी। हमारा एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज़्यादा था, मगर हाँ हम हमारे एक्सपेक्टेशन पे खड़ा नहीं उतर पाए, मगर हाँ हमने अच्छे लद्दाखियों की वोटर्स की को थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि इनके बदौलत हमें
जितना एक्सपेक्टेशन था उस पर खड़ा नहीं हो पाया, मगर हाँ बुरा भी नहीं है, बहुत अच्छा रहा। अब कम से कम पैरों पर तो खड़े हो गए। एग्जैक्टली, ये क्या जी, ये कहा जा सकता है? जी जी, हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का रोल निभा सकते हैं काउंसिल में। तो ये कांग्रेस का कहना है कि हमारा जो रोल रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, अपोजिशन जरूर है, कुछ मुद्दों पर जहाँ सहमति होगी वहाँ हम उसको फेवर करेंगे। तो मुरु जी, आपको उम्मीद है कि इस बार हिल काउंसिल बहुत अच्छी चलेगी और युवा जो हमारे ताशी जी के नेतृत्व में जो सीईसी बने, हिल काउंसिल डेवलपमेंट के मुद्दे पे ये लद्दाख को आगे दी जाए? बिल्कुल जी, जो ताशी जी है हमारा सीईसी हिल काउंसिल का अध्यक्ष है, वो सियासत में नए नहीं है, वो काफ़ी देर से इसी फील्ड में है। बेशक पार्टी बदल गई है, अलग बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सीसी यंग है और इनको कुछ करने का जज्बात होंगे, ये सब मिलके अच्छा होगा। और साथ ही साथ बीजेपी काफ़ी युवाओं को मैंडेट दिया, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी तरह उसी तरह कांग्रेस ने भी काफ़ी एजुकेटेड और यंग कैंडिडेट को टिकट दिया, तो उससे एक अपोजिशन भी स्ट्रॉन्ग बन गया। तो सारा कुल मिला के रूलिंग प्लस अपोजिशन मिल के शायद लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम करेंगे। इस बार जो हिल काउंसिल में जितने नए चेहरे आए, जी जी, पुराने चेहरों को पब्लिक ने नकार दिया है जहाँ तक देखने को मिला है, क्या कारण रहे होंगे इस बार? पिछले कई दशक से लद्दाख में अभी मेरे को ये लगता है कि लीडरशिप की क्राइसिस रहा है। तो अभी यंग जनरेशन काफ़ी पॉलिटिक्स में आ रहा है, तो आप लोगों को भी लगने लग गया कि आप दो तीन वेटरन, चार पाँच वेटरन को छोड़ के और भी यंग लोगों को एक मौका देना चाहिए, और उन्होंने अच्छा भी किया, जहाँ तक उन्होंने एक मौका मिला उनको अच्छा भी काम किया। तो इससे जो आप लोगों को जो नए जनरेशन में ज़्यादा उम्मीद है अभी फ्यूचर के लिए, या जो वेटरन लीडर्स है उनसे ज़्यादा उनके उम्मीद है, मुझे ये लग रहा है। आपसे सवाल करते हैं कि यदि अभी दो पार्टी, पहले तो चार पार्टी होगा, PDP, NCE, कांग्रेस, BJP, इंडिपेंडेंट मिलकर सब चुनाव लड़ते थे, अब PDP ख़त्म हो गई लद्दाख से, NCE खत्म हो गई, आपकी पार्टी आई, आपकी पार्टी का क्या भविष्य आप याद कुछ दिखता है? जी सुशील जी, इस बार जो रीजनल पार्टीज थे PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो यहाँ से समाप्त हो गए हैं, लद्दाख के लोगों ने उनको नकारा है, लेके डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने, अभी कारगिल में तो फिर भी अभी बना रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आम आदमी जो उभर के आया है उनका दिल्ली गवर्नमेंट में एक या दो MP होंगे उनके, तो ज़्यादा वो प्रभाव यहाँ पर नहीं डाल पाएंगे जी। उनका मुद्दा रहते हैं हाँ एजुकेशन, और कहीं जो वादे किए हैं केजरीवाल साहब ने अभी दिल्ली में रहते हुए, तो अभी आज के दौर पर वो सारा बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है। तो यहाँ पर उनका कदम रखना एक डेमोक्रेसी में उनका हक है, तो कितना आपने आपको संभाल पाते हैं वो भविष्य में लद्दाख के लोग तय करें। लद्दाख के लोगों की भावनाओं को वो नहीं समझ पाए अभी इस इलेक्शन में, या लद्दाख के लोग उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाए? अब भावना जब नया भावना होते हैं तो उसको समझने में समय लगता है। तो देखिए, हम उनको भी ऑल द बेस्ट करने से शुभकामनाएं हैं, वो उनको भी लद्दाख के प्रगति के लिए एक अच्छा सोच, एक अच्छा आइडियोलॉजी लेके आए होंगे, तो लोग बाद में उनको स्वीकार कर सकते हैं। यदि PDP और NCE इस चुनाव में होती तो क्या आपको नतीजे यही इस तरह के नतीजे देखने को मिलते? तो इसका बिल्कुल समीकरण कुछ और होता, तो फिर एक खिचड़ी टाइप होगा, बिल्कुल जो मतदान जो जिनके पास हक है आम लोगों का, वो पजल हो जाते, वो बिल्कुल असमंजस में पड़ जाते, किसके पास जाए, किसको दे, किसको ना दे। तो इस ना होने से तो बेहतर है, क्योंकि अभी दो तीन पार्टी है, डायरेक्ट फाइट जो लोगों की समझ में आए भी है, उन्होंने अपना मतदान दिया है भी है। तो इस बार जो यदि चुनाव में ये पार्टियां होती हैं जैसे ये कह रहे हैं, क्या स्थिति ऐसी रहती है? हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा मुझे ये लग रहा है जो NCE और PDP का जहाँ यहाँ ले में सवाल है, कारगिल में अलग स्थिति होंगे मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ले में है वो तो स्टेट के बेसिस पे उन लोग इलेक्शन जीते थे, क्योंकि स्टेट का इन्फ्लुएंस रहते थे। और पहले जब यूटी से पहले हम एक स्टेट थे, तो लोग को रहता आप स्टेट में UT PDP या NCE जिसका भी गवर्नमेंट होता तो फिर फायदा मिलता। अभी जब स्टेट UT लद्दाख अलग हो गया, तो मेरे ख्याल से उनका कोई प्रभाव नहीं होता। बेशक थोड़ा बहुत वोट वो लोग इधर उधर कर सकते थे वोट करने में, बाकी तो मेरे ख्याल से कोई कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता। और जहाँ तक आपका सवाल है, आपने रिसेंटली ही उन्होंने लॉन्च किया, आपको भी बताया जुलाई अगस्त में, तो उस हिसाब से जिस तरह से उन्होंने लॉन्च किया कुछ ही महीने में, और मेरे ख्याल से उन्होंने अच्छा किया, काफ़ी टफ कंपटीशन दिया, एक दो सीटों पर तो उन्होंने
बहुत लो मार्जिन से जो मेरे ख्याल से कांग्रेस जीता, तो आने वाले दिनों में लद्दाख के जनता के लिए ये रहेगा, मैं कहूँगा कि कांग्रेस और बीजेपी को छोड़ के थर्ड अल्टरनेटिव भी रहेगा, तो डेमोक्रेसी में जितना ज़्यादा पार्टी होगा मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। मोदी का जादू कितना चला? मोदी का भी बिल्कुल चला जी, वो सेंटर में मोदी जी है तो बिल्कुल लद्दाख के लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है, खासकर सिक्स शेड्यूल को लेके कि आप बिल्कुल आप जिस तरह से गृह मंत्री ने एश्योरेंस दिया तो लोगों को ये लगा कि हाँ आप शायद उम्मीद भी रखते हैं अच्छा कदम उठाएंगे, तो लोगों को ये लगा कि हाँ यूनियन गवर्नमेंट जो मोदी की नेतृत्व में लद्दाख को सेफ गार्ड मिलेगा, ये रोक रहा। अब देखते हैं कि विकास की गाड़ी कैसे दौड़ती है और कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं प्रेसिडेंट है कांग्रेस का जो कौंसिल में जीत गया है वो इस गाड़ी को कैसे तेजी से बढ़ा दें, इनसे पूछते हैं। खैर गाड़ी को तो बीजेपी ने ही चलाना है, हम कभी वो लोग कहीं पे फिसल जाता कहीं रॉन्ग डायरेक्शन पे जाता है तो हम उनको दिशा देने की कोशिश भरपूर कोशिश करेंगे, पॉजिटिव दिशा देने की कोशिश करेंगे और हमारे जितने भी काउंसलर्स हैं उसके लिए सक्षम है। तो यदि आपसे ये पूछा जाए कि आज के समय में अब पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी विकास में? विकास में मैंने पहले भी आपको बताया कि विकास तो ज़्यादा या कम होगा ही कोई भी आए, मगर हमारा इस बार जो इलेक्शन लड़ा है बीजेपी ने भी लोगों को ये यकीन दिलाया था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अंडर सिक्स शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि अगर सेफगार्ड नहीं हो तो विकास का कोई मतलब ही नहीं जी, विकास कभी भी हो सकता है, मगर ये जो सिक्स शेड्यूल है ये जितना जल्दी मिले उतना हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा, इसलिए सबसे पहले सिक्स शेड्यूल होगा हमारा जी। मैंने हमने ये देखने को मिला है कि लद्दाख में इस समय विकास की बात हो रही है, ये सिक्स शेड्यूल की बात हो रही है, जो बेसिक समस्याएं शिक्षा है स्वास्थ्य है पानी है इन पे कोई ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है मुझे देखने, गुरु जी बताइए इनका इनकी आवश्यकता है कि नहीं? आप बिल्कुल काफ़ी इश्यूज है ये, चाहे खासकर हमारे जो यहाँ जो कूड़ा का जो डिस्पोजल को लेके है काफ़ी, और कल आपको देखने को मिला कि लोअर ले की जो वार्ड नंबर सिक्स इतना एग्जैक्टली नहीं है, मतलब वो जो एमसी का वार्ड मेंबर है उन्होंने रेजिग्नेशन दिया इसी बात पे कि मतलब जो इश्यूज होता है जैसे कूड़ा का होता है या पानी का, छोटे छोटे इशू छोटे छोटे इशू पे उन्होंने बोला कि आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सुन रहा है तो हम बैठ के क्या फ़ायदा, लोगों का खामखम गाली सुनना पड़े, इससे अच्छा हम रिज़ाइन दे दे, तो ऐसे इश्यूज भी है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेफ गार्ड को छोड़ के ये भी एक इशू रहेगा पानी बिजली सब लेके, पहले से तो वो काफ़ी बेटर है। देखने को मिला है कि जब से हमें धारा 370 और केंद्र शासित प्रदेश घोषित हुई है लद्दाख को, उसके बाद में एक साल पूरा हो चुका है, कितना डेवलपमेंट हुआ है मुरुख जी? डेवलपमेंट तो काफ़ी आया है, जैसे जहाँ तक मेरा जानकारी है 5700 कुछ करोड़ आया है लेह और करगिल के बीच में यूटी लद्दाख के लिए, तो ये पहले उतना नहीं हुआ करते थे, तो नेचुरली डेवलप हुआ है हर जगह पर, और साथ ही साथ जो लोगों को एक साल उन्होंने खुशी मनाया है यूटी, आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लग गए कि ये यूटी तो अधूरा है, जब तक सेफगार्ड नहीं मिलेगा तो हमारा जॉब चले जाएंगे, हमारा कल्चर आइडेंटिटी ख़त्म होगा, ये सब अभी और ज़ोर पकड़े जब से एपीएस जुड़ी है, और कंसर्न होना भी चाहिए क्योंकि लद्दाख ले लद्दाख और एक हमारे देश से एक यूनिक कल्चर को मानते हैं, तो इसको बरकरार रखने के लिए ये सब ज़रूरत है। सर एपेक्स बॉडी जब बनी थी सिक्स शेड्यूल को लेकर कांग्रेस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है जो देखने में मिलता है, क्या मानते हैं जी सर? देखिए अब ये कांग्रेस हमेशा जब ये क्या कहते हैं यूटी की घोषित होने के बाद प्रेस क्लब ने एक बड़ा सा मीटिंग रखा था शुरू में, तो उसी मंच से हमारे जोरा साहब ने ये बताया था कि जब तक सिक्स शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड ना हो तो इस यूटी का कोई मतलब नहीं होगा, तो सिक्स शेड्यूल हमारा सबसे पहला मुद्दा रहा है, और कोरोना के चलते इसमें हम बहुत ज़्यादा मुहिम नहीं कर पाया पिछले एक साल से। हाँ एपेक्स बॉडी बनने के बाद फ़ायदा हुआ है, अगर एपेक्स बॉडी ना भी बनता तो हमारा ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसको लेके हमने लोगों तक जाना ही था, अल्टीमेटली हम गया भी, और ये इलेक्शन की रिजल्ट से आपको सब झलकता है कि जहाँ जहाँ ये मैसेज हम अच्छी तरह पहुँचा पाया वहाँ से हमें अच्छी जीत मिली है, दूर दराज इलाके में हम इस मैसेज को डिलीवर नहीं कर पाया जिसके बदौलत हमें हार का सामना करना पड़ा। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब सारे विपक्ष और सत्ता पक्ष
दोनों मिलके लद्दाख के डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और जहाँ सहयोग होगा विपक्ष सहयोग करेगा और जहाँ विपक्ष की जो भूमिका है उन्होंने आपको भूमिका निभानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सत्ता पक्ष को भी देखना होगा कि उनकी भावनाओं को ठेस ना पहुँचे और लद्दाख की जो गाड़ी है विकास की गाड़ी तेजी से दौड़े, क्योंकि अब विपक्ष और पक्ष दोनों ही सेम मुद्दे पर हैं, सिक्स शेड्यूल को लेकर, विकास को लेकर, और हमारे जो जर्नलिस्ट हैं इनका भी यही कहना है कि लद्दाख की गाड़ी को अब तेज़ दौड़ाने की ज़रूरत है, भारत के साथ में, देश के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लद्दाख की गाड़ी तेज़ दौड़े, तभी हम विकास की मुख्य धारा में जुड़ पाएंगे। सुशील शर्मा, फोकस न्यूज़ के लिए, टकपा कैमरामैन के साथ।